बिग बॉस 12 की विजेता दीपिका कक्कड़ अपने बिंदास अंदाज के लिए भी जानी जाती है। दीपिका कक्कड़ ने इस बार बिग बॉस 12 के फाइनलिस्ट रोमिल चौधरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दीपिका कक्कड़ ने कहा कि वो दोबारा रोमिल चौधरी से कभी बात नहीं करना चाहेंगी। दीपिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीपिका कक्कड़ जब बिग बॉस 12 की ट्रॉफी जीतकर घर लौटी, तब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि वो कौन सा सदस्य है जिनसे आप दोबारा मिलना नहीं चाहेंगी। इस पर दीपिका कक्कड़ ने रोमिल चौधरी का नाम लिया और कहा कि वो रोमिल चौधरी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहेंगी, लेकिन सामने आने पर हाय हेलो से कभी पीछे नहीं हटेंगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। दीपिका कक्कड़ ने साथ ही कहा कि बिग बॉस के घर में रोमिल चौधरी से उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं बनी। घर में 105 दिनों तक रहने के बाद भी हमारे बीच हमेशा मतभेद रहे। दीपिका कक्कड़ ने फाइनल में श्रीसंत को कड़े मुकाबले में हरा कर बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की थी। दीपिका कक्कड़ के अलावा श्रीसंत, दीपक ठाकुर, रोमिल चौधरी और करणवीर वोहरा भी फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन सबको मात देते हुए दीपिका कक्कड़ बिग बॉस 12 की विजेता बनी।